हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। यूपी के बुलंदशहर में न सिर्फ सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली, बल्कि यहाँ के लोगों ने मानवता का जो परिचय दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लॉकडाउन के दौरान एक हिंदू व्यक्ति की मौत होने पर उसके अंतिम संस्कार के लिए न सिर्फ मुस्लिम पड़ोसी आगे आए, बल्कि मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों ने बाकायदा मृतक का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी कराया। राम नाम सत्य जपते हुए ये लोग मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। राम 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 राम, जो कि अपने हिंदू पड़ोसी को मोक्ष के द्वार तक ले जा रहे हैं। मृतक का नाम रविशंकर था, जो कि लंबे समय से कैंसर जैसी घातक बीमारी से पीड़ित था, जबकि मृतक की आर्थिक स्थिति भी कमजोर बताई जा रही है। मृतक रविशंकर बुलंदशहर के आनंद विहार कॉलोनी में रहता था। बताया जाता है कि मृतक के घर के आसपास मुस्लिमों की ही तादाद है। ये पापा की तबीयत खराब थी, कैंसर था, मैं दो दिन पहले पता करा था। तो ये जो आपके जो पड़ोसी लोग हैं, इन्होंने आपके पिताजी का जो अंतिम संस्कार कराया था, क्या था पूरा? नहीं, इसमें तो कोई ऐसा मैं वो नहीं है, वो तो सब मुसलमान भाई थे और जो भी हमारे थे, यानी कि सब ने हमारे साथ सपोर्ट किया था, इसमें ऐसा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवार में जो स्थिति है परिवार की, वो किस तरह की, क्या करते थे पापा? पापा तो बड़े गठिया लगाते थे और घर में हम दो भाई हैं और दो बहन, उनकी शादी होगी और इतना पैसा वैसा भी नहीं है उनके ज़्यादा। परसों इनकी पिताजी की मौत हुई और क्या नाम है, हमने पूरे मोहल्ले वालों ने सब ने एक इनके साथ लगे और भाईचारा की मिसाल कायम करी और ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो कभी भी कोई इनके यहाँ कोई बात होती है तो हम आधी रात हाजिर रहते हैं और ये हमारे यहाँ कोई बात होती है ये हाजिर रहते हैं, हमें कोई ऐसी भेदभाव वाली बात नहीं है। मृतक की पत्नी के अलावा उनके दो बेटे और हैं, जो पिता की बीमारी से पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। पिता की मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है। हालांकि रविशंकर की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मृतक के परिवार को हमेशा उनका ख्याल रखने का भरोसा दिलाया है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।